आम आदमी जो इस सरकार से शोषित था, पीड़ित था, वो आदमी भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस में एक ये छाप देख रहा था भी कहीं ना कहीं कोई उम्मीद लेके आएगी तो कांग्रेस लेके आएगी। लेकिन उस कांग्रेस के अंदर जो भूपेंद्र हुड्डा है वो सिर्फ एक ही उम्मीद देख रहा था भी अब तेरी बारी आएगी और तू सिर्फ पहले पहले ही सब ने हेड डला दे। वो हेड लाने में बिजी हो गया। आज हिरवाड़ के अंदर अजय यादव अगर नेता था तो उसको उस आदमी ने अनदेखा करने का काम कराया। भिवाणी के अंदर किरण के अनदेखा करने का काम कराया। पहले चाहे कुलदीप भी कांग्रेस में था, इसके साथ भी वही काम करने का काम कराया। चाहे अशोक तंवर को भगाने वाला कोई था तो वो हुड्डा था। चाहे आज आप वीरेंद्र डुमरकिया को बजाने वाला था, धर्मवीर तालू को बजाने वाला कौन था? ये आदमी सिर्फ और सिर्फ एक ही नारा ले रखे चल रहा था अभी बीजेपी और जेजेपी इनेलो एक है। बीजेपी से कम लड़ाई थी, जेजेपी और इनेलो से ज्यादा लड़ाई लड़ जाता। इसको सिर्फ भय ये था भी कोई और चौधरी ना पाक जाए। तेरा चौधरी आवे तो तेरा घर आवे, तेरा छोरा का बांडा आवे। परसा साहब जी जनाब, क्या बनाई? आरोप लगा तो हम बीजेपी पर रहे थे, लेकिन असल में उसका बंटा धार करने वाला ये भूपेंद्र हुड्डा और उसका बेटा है। भूपेंद्र हुड्डा तो ईवीएम को दोष दे रहे हैं, बोल रहे कि इतनी सीटों के ऊपर उन्होंने ईवीएम में गड़बड़ हो गई, उस चक्कर में हम लोग हार गए, नहीं तो हम तो जीते बैठे थे यहाँ से। इन लोगों ने हर वर्ग को गुमराह करने का काम किया, हर वर्ग को अनदेखा करके सिर्फ और सिर्फ पार्टी के अंदर जो नेता थे सीनियर नेता उनको खुडे लाइन लगा करके सिर्फ अपनी सीएम की कुर्सी है वो सेव करने की सोची। इतने बड़े बड़े दावे कर दिए इन्होंने, सिलेंडर 500 रुपए कर देंगे, 2100 रुपए महिलाओं के खाते में जाएंगी, बड़ी बड़ी बातें इन्होंने कर रहे थे। आप बोलो कि मुद्दे नहीं थे, सिर्फ कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे थे। ये एक तरफ तो जो आंकड़े तो दे रहे थे जन मुद्दों को लेकर के, लेकिन अंदर घात जो कांग्रेस है वो कांग्रेस के साथ ही चुनाव लड़ने में व्यस्त थी, न कि बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने में। आप भी तो पिछले काफी टाइम से कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हो, दिन रात एक कर रखी है आपने। अब कांग्रेस सत्ता से बाहर होगी तो आप कांग्रेस के विरोध बोलने लगे। मैं पूछना चाहूँ हुड्डा साहब ने, भाई 2-3 दिन तक चुप क्यों है? ईवीएम करने लग रहे हैं, बता शपथ तू लेगा तेरा छोरा लेगा? ये बता तो सही। हमने सैलजा को खुडे लाइन इन लोगों ने लगाने का काम किया, क्यों? वो नेता नहीं। सैलजा आज हमारे जो पिछड़ा वर्ग है, दलित समाज है, उसकी सीनियर नेता थी, लेकिन उसको इसने 72 सीट बांध दी एक लन। एक काका ने 72 सीट एक लन बांट दी, और उस सैलजा ने जहाँ टिकट मिली 2-5 वहां इसने निर्दलीय कैंडिडेट उतार दिए। तो पार्टी के अंदर लड़ाई शुरू किसने करी? हुड्डा ने। आपके हिसाब से हुड्डा पिता पुत्र की वजह से जो कांग्रेस का चुनाव था वो कांग्रेस का चुनाव न रहकर वो जाट वर्सेज नॉन जाट हो गया जी। इस बात में कोई दो राय नहीं है। अगर सैलजा को साथ लेकर के चुनाव लड़ता, दलित वर्ग के नेता को साथ लेकर के चुनाव लड़ता तो लोकसभा चुनाव में हमने देखा गांव-गांव गए, हमने भी 72 सभाओं में शामिल हुए थे, तो वहां हमने ये देखा कि जो हमारा दलित समाज था और जाट समाज था, बैकवर्ड था, उसने साथ मिलकर के बीजेपी के साथ लड़ाई लड़ी और हरियाणा में 5 सीटें जीते और 1-2 सीट हम थोड़े मार्जिन के साथ हार गए। कांग्रेस कांग्रेस क्या, इसके अलावा और बड़े बड़े गढ़ टूट गए। आपका आदमपुर देख लो, भव्य बिस्तों यहाँ से हार गया। अभय चौटाला जो किसानों के बड़े मसीहा समझे जाते थे उनको लोगों ने वहाँ से हरवा दिया। कैप्टन वहाँ से हार गया, लोग उसको विकास पुरुष के नाम से जानते हैं, वो वहाँ से हरा दिया। तो आप खाली हुड्डा पिता पुत्र को गाड़ी क्यों? बात तो सरकार की थी, इन नेताओं को इन लोगों के हलकों ने जवाब दिया भी। ये जो कुलदीप बिश्नोई बात कर रहा था अभी मैं डीसी के पास फाइल लेके नहीं जाऊंगा, जनता ने कहा भी तू तो एसडीएम के पास भी फाइल लेके जाओगा, उसके काबिल कर दिया उसको। हर आदमी का जनता ने ये जो घमंड था वो तोड़ने का काम कराया, लेकिन हुड्डा का सबसे गजब घमंड तोड़ने का काम जनता ने कराया। अब उसको समझ नहीं आ रही भी सैलजा के ऊपर ठीकरा फोड़ू, सैलजा के ऊपर ठीकरा फोड़े तो फोड़े के ऊपर, सैलजा को पूछना चाहेंगे कितनी सीट दी जीते। युवा नेता है, काफी टाइम से राजनीति में सक्रिय है, तो आपका अभी तक का एक्सपीरियंस क्या रहा? हुड्डा साहब को क्या नसीहत देना चाहिए? नहीं, हुड्डा साहब को नसीहत के देना, हुड्डा साहब को नसीहत ये है अभी अपने घर बैठ, राजनीति हरियाणा अपने आप संभाल लिया, तेरे से भी काबिल नेता इस हरियाणा में है। नमस्कार, मैं कमल लोहान और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और कांग्रेस का जो रिजल्ट था ना उम्मीद से बिल्कुल विपरीत हो गया है। लोग बोल रहे थे कि कांग्रेस सरकार बना रही है, मीडिया बोल रही थी, सर्वे बोल रहे थे कि कांग्रेस सरकार बना रही है और बिल्कुल उल्टा हो गया। और अजीब बात तो ये है कि रिजल्ट आने के बाद में जो उल्टा हुआ और उसका भी उल्टा हो गया है। वो उल्टा क्या हुआ है? पहले लोग बोला करते कि हुड्डा साहब सरकार बनाएंगे, पर अब ना हुड्डा साहब को लोग लग गए हैं और हुड्डा साहब ईवीएम को गाली देने लग गए हैं। सभी बातों पर चर्चा करेंगे, हमारे साथ बने हुए हैं संदीप धीरणवास। परसा साहब जी, क्या बनाई? देखो जैसी नीति थी वो बने, इस बात में कोई दो राय नहीं कि भाई जो बंटाधार कांग्रेस का भी कराया और हरियाणा का भी कराया। आरोप लगा तो हम बीजेपी पर रहे थे, लेकिन असल में उसका बंटाधार करने वाला ये भूपेंद्र हुड्डा और उसका बेटा है।
ये भूपेंद्र हुड्डा तो ईवीएम को दोष दे रहे हैं, बोल रहे कि हम इतनी सीटों के ऊपर उन्होंने ईवीएम में गड़बड़ होगी उस चक्कर में हम लोग हार गए, नहीं तो हम तो जीते बैठे थे यहाँ से। नहीं, ये बेवकूफ बातें करने का अब कोई औचित्य नहीं रहा। इन लोगों ने हर वर्ग को गुमराह करने का काम किया, हर वर्ग को अनदेखा करके, सिर्फ और सिर्फ पार्टी के अंदर जो नेता थे, सीनियर नेता, उनको खुडे लाइन लगा करके सिर्फ अपनी सीएम की कुर्सी है वो सेव करने की सोची। इन लोगों ने एक परसेंट भी इन्हें सोचा भी हरियाणा के बदाली से निकाला कैसे जाए। इन लोगों ने हर नेता को अड्डे खुडे लाने का काम किया। इतने बड़े बड़े दावे कर दिए इन्होंने, सिलेंडर 500 रुपए कर देंगे, 2100 रुपए महिलाओं के खाते में जाएंगी, बड़ी बड़ी बातें इन्होंने कर रहे थे। आप बोलोगे मुद्दे नहीं थे, सिर्फ कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे थे। जी बिल्कुल, ये एक तरफ तो जो आंकड़े तो दे रहे थे जन मुद्दों को लेकर के, लेकिन अंदर घात जो कांग्रेस है वो कांग्रेस के साथ ही चुनाव लड़ने में व्यस्त थी, न कि बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने में व्यस्त। आम आदमी जो इस सरकार से शोषित था, पीड़ित था, वो आदमी भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस में एक ये छाप देख रहा था भी कहीं ना कहीं कोई उम्मीद लेके आएगी तो कांग्रेस लेके आएगी। लेकिन उस कांग्रेस के अंदर जो भूपेंद्र हुड्डा है वो सिर्फ एक ही उम्मीद देख रहा था भी अब तेरी बारी आएगी और तू सिर्फ पहले पहले ही सब ने हेड ला दी। वो हेड लाने में बिजी हो गया। अजय हिरवाड़ के अंदर अजय यादव अगर नेता था तो उसको उस आदमी ने अनदेखा करने का काम कराया। भिवाणी के अंदर किरण के अनदेखा करने का काम कराया। पहले चाहे कुलदीप भी कांग्रेस में था, इसके साथ भी वही काम करने का काम कराया। चाहे अशोक तंवर को भगाने वाला कोई था तो वो हुड्डा था। चाहे आज आप वीरेंद्र डुमरकिया को बजाने वाला था, धर्मवीर तालू को बजाने वाला कौन था? ये आदमी सिर्फ और सिर्फ एक ही नारा ले के चल रहा था अभी बीजेपी और जेजेपी इनेलो एक है। बीजेपी से कम लड़ाई थी, जेजेपी और इनेलो से ज्यादा लड़ाई लड़ जाता। इसको सिर्फ भय ये था भी कोई और चौधरी ना पाक जाए। तेरा चौधर आवे तो तेरा घर आवे, तेरा छोरा का बांडा आवे। लेकिन मैं पूछना चाहूँ हुड्डा साहब ने, भाई दो तीन दिन तक चुप क्यों है? ईवीएम ईवीएम करने लग रहा है, बता शपथ तू लेगा तेरा छोरा लेगा? ये बता तो सही। हमने सैलजा को खुडे लाइन इन लोगों ने लगाने का काम किया, क्यों वो नेता नहीं? सैलजा आज हमारे जो पिछड़ा वर्ग है, दलित समाज है, उसकी सीनियर नेता थी, लेकिन उसको इसने बेहतर सीट बांध दी। एक लंग एक काका ने बेहतर सीट एक लंग ने बांट दी। और उस सैलजा ने जहां टिकट मिली 2-5 वहां इसने निर्दलीय कैंडिडेट उतार दिए। तो पार्टी के अंदर लड़ाई शुरू किसने करी? हुड्डा ने। आप भी तो पिछले काफी टाइम से कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हो, दिन रात एक कर रखी है आपने। अब कांग्रेस सत्ता से बाहर होगी तो आप कांग्रेस के विरोध बोलने लगे? हम तो ना तो इनके सत्ता, ना तो हमारा पिछली सत्ता काम आई, ना अगली सत्ता काम आई। हाँ आजादी तो नारे किरा नए याद करने पड़ जा रही, पुरानिया तो काम चल लगा हमारा। तो हमने तो लड़ाई पाछे भी लड़ी जन मुद्दों को लेकर के, अगली लड़ाई भी लड़ेंगे। ठीक है, नारे पुराने चल जाएंगे, लेकिन अगर इस जो हरियाणा के अंदर जो सत्ता परिवर्तन हो रहा था उसका सबसे ज्यादा अगर किसी ने भट्टाधार कराया तो भूपेंद्र हुड्डा ने कराया। उसने माहौल ऐसा क्रिएट करने का काम कराया कि हर वर्ग को उसने तुच्छ समझने का काम कराया और उसका जवाब जनता ने बखूबी दिया और बाप बेटे को घरा बिठा दिया। और मैं आपको एक बात आज कहना चाहूँ भाई कमल, जो आपकी जिंदगी में भूपेंद्र हुड्डा है उसका छोरा कभी सीएम पद की शपथ भी ले जाए तो हम यही हैं। तो आपके हिसाब से हुड्डा पिता पुत्र की वजह से जो कांग्रेस का चुनाव था वो कांग्रेस का चुनाव न रहकर वो जाट वर्सेस नॉन जाट हो गया? जी इस बात में कोई दोराय नहीं है। अगर सैलजा को साथ लेकर के चुनाव लड़ता, दलित वर्ग के नेता को साथ लेकर के चुनाव लड़ता तो लोकसभा चुनाव में हमने देखा गांव गांव गए, हमने भी बेहतर सभाओं में शामिल हुए थे, तो वहां हमने ये देखा कि जो हमारा दलित समाज था और जाट समाज था, बैकवर्ड था, उसने साथ मिलकर के बीजेपी के साथ लड़ाई लड़ी और हरियाणा में 5 सीटें जीते और 1-2 सीट हम थोड़े मार्जिन के साथ हार गए। मोदी तक को टक्कर देने का काम इस जुगलबंदी ने किया किसान के मेरे की। लेकिन अगर हुड्डा ने जो माहौल लोकसभा चुनाव के बाद में इस आदमी को ये भरम हो गया कि अब तो कांग्रेस एक तरफ ही आ रही है, तू तो सीएम डला दे शपथ तन्न या तेरे छोरे नहीं लेनी है, तो इस संबंध में उसका भी आ गई। कभी तो मेरे ख्याल में बीपी ऊपर हो, कभी शुगर नीचा हुआ उसकी। लेकिन उस आदमी को ये कह देना चाहते हैं भी जो ये इस चुनाव में बंटा धार हरियाणा को आपने जो दलदल में धकेलने का काम करे उसके सिर्फ और सिर्फ जिम्मेवार भूपेंद्र हुड्डा है। कांग्रेस कांग्रेस क्या, इसके अलावा और बड़े बड़े गढ़ टूट गए। आपका आदमपुर देख लो, भव्य बिस्तों यहाँ से हार गया। अभय चौटाला जो किसानों के बड़े मसीहा समझे जाते थे उनको लोगों ने वहां से हरवा दिया। कैप्टन वहां से हार गया, लोग उसको विकास पुरुष के नाम से जानते हैं, वो वहां से हरा दिया। तो आप खाली हुड्डा पिता पुत्र को गाड़ी क्यों देते? बात तो सरकार की थी, इन नेताओं को इन लोगों के हलकों ने जवाब दिया भी। ये जो कुलदीप बिश्नोई बात कर रहा था अभी मैं डीसी के पास फाइल लेके नहीं जाऊंगा, जनता ने कहा भी तू तो एसडीएम के पास भी फाइल लेके जाओगा, उसके काबिल कर दिया उसको। हर आदमी का जनता ने ये जो घमंड था वो तोड़ने का काम कराया, लेकिन हुड्डा का सबसे गजब घमंड तोड़ने का काम जनता ने कराया। अब उसको समझ नहीं आ रही भी सैलजा के ऊपर ठीकरा फोड़ू, सैलजा के ऊपर ठीकरा फोड़े तो फोड़े के ऊपर सैलजा को पूछना चाहेंगे कितनी सीट दी थी तेने,
उसके कितने आदमियों को आपने सीट दी, जहां सीट उसको मिली वहां निर्दलीय आदमी उतार के इसने उनका नाश करने का काम किया। सैलजा करे भी तो क्या करे? आपको क्या लगता है सैलजा की नाराजगी से दलित वोटर सारा नाराज हो गया और उसकी बड़ी अहम भूमिका रही है चुनाव के अंदर? देखिए इस बात में कोई दो राय नहीं है भाई, जो हुड्डा साहब ने जिस जिस वर्ग के नेता के साथ धोखा करने का काम किया, जिस वर्ग के नेता को इसने तुच्छ समझने का काम किया, उस वर्ग ने इसके मुंह के ऊपर तमाचा मारने का काम किया। हुड्डा को करारा जवाब दिया है, बहम ना पड़े। हरियाणा हर बिरादरी का, 36 बिरादरी का अपने आप में सोमबू बन के चलेगा, तो इसी तरह तरीके को अड्डे खुड्डे लगाने का काम करेंगे। युवा नेता है, काफी टाइम से राजनीति में सक्रिय है, तो आपका अभी तक का एक्सपीरियंस क्या रहा? हुड्डा साहब को क्या नसीहत देना चाहिए? नहीं, हुड्डा साहब को नसीहत के देना, हुड्डा साहब को नसीहत ये है अभी अपने घर बैठ, राजनीति हरियाणा अपने आप संभाल लिया, तेरे से भी काबिल नेता इस हरियाणा में है और आगे भी इसी बीजेपी का सामना वही लोग करेंगे। हमने तो सिर्फ एक भरम, इस आदमी ने एक भरम और आईना लोगों पे चढ़ा दिया। जब हम चुनाव की बात कर रहे थे लोगों के बीच जाके, हम लोगों के बीच जाके ये कह रहे थे कि बीजेपी ने किसानों मजदूरों का कोई भला नहीं किया, कांग्रेस ने कोई भला नहीं किया, हम अपने नुमाइंदे मैदान में उतारेंगे, तो ये आदमी सिर्फ हर आदमी के एक ही पट्टी बांध रखी ना, अब की बार डट जाओ एक बार बीजेपी ने देख लिया, अब की बार डट जाओ एक बार बीजेपी ने देख लिया। लेकिन उन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था, हुड्डा आप लोगों के साथ सबसे बड़ा खेल खेल रहे, आप अपने नुमाइंदों को जो पीछे धकेलने का काम कर रहे हो जिस हुड्डा के कारण, वो हुड्डा खुद हरियाणा के साथ खेलने का काम कर रहा था। लोग ना बड़ी आवाजें मार रहे थे, मेनली कांग्रेस के कार्यकर्ता लगा लो, भी किसान भी नाराज है, जवान भी नाराज है, पहलवान भी नाराज है, ऊपर से वो जेजेपी जो बीजेपी में कोलैब हो गई थी उसको जनता ने नकार दिया और बीजेपी को मेजोरिटी में लेकर आ गए, तो बीजेपी की जीत की सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं? देखिए बीजेपी की सबसे बड़ी जीत की वजह यही है कि उनकी रणनीति सबसे सफल रणनीति रही, चाहे अहिरवाड़ में उन्होंने वीरेंद्र सिंह को कमान देने का काम किया, चाहे पंजाबी समाज में खट्टर साहब ने आगे करने का काम किया, चाहे उनने सैनी समाज और बैकवर्ड में नायब सैनी को आगे करना। देखो नायब सैनी का एक बात हम भी कहने पे, 6 महीने 7 महीने का हमने टाइम देखा, बहुत बढ़िया कार्यकाल था, लेकिन उम्मीद हर आदमी को ये थी कि इसको समय कम मिला, लेकिन अब हम उम्मीद भी करेंगे सरकार आ गई, चलो अच्छी बात है, और नायब जी से भी उम्मीद ये है कि पीछे 5-6 महीने जो आपने सरकार चला के लोगों को उम्मीद दी, उस उम्मीद के ऊपर खरा उतरेंगे। चाहे जो नौकरियों की बात है, चाहे किसानों के आपने MSP की बात करी है, हमें कोई ये बात थोड़ी, कोई जानी दुश्मनी थोड़ी है, जन मुद्दों को लेकर के लड़ाई, वो पीछे भी लड़ी आगे भी लड़ेंगे। बीजेपी सरकार को बहुत बहुत बधाई और कांग्रेस को इस ठोकर से सीख लेनी चाहिए। चलो संदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। चलो जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद, आपके चैनल के सभी दर्शकों का भी धन्यवाद, स्वागत। तो ये थे हमारे साथ में जिला पार्षद संदीप धीणवासी, युवा नेता है और राजनीति में बड़े सक्रिय हैं, हालांकि कांग्रेस की सपोर्ट की है इन्होंने, कांग्रेस के लिए वोट मांगते फिरे हैं, पूरे का पूरा टाइम इन्होंने दिया है, पर अब ये पूरा का पूरा माहौल समझ चुके हैं, अभी इन्होंने जो इनके मन में थी रणनीति जो थी कांग्रेस की वो बड़ी गलत ये मानते हैं, हालांकि आने वाले टाइम में बता पाएंगे कि क्या ये रणनीति वाकई में गलत थी या कोई और वजह रही है कांग्रेस को हार का मुँह देखने का। तो तब तक जुड़े रहें सिटी बिग न्यूज़ के साथ, नमस्कार।